इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बर में ठेकेदार की मनमर्जी के आगे मूक दर्शक बना सार्वजनिक निर्माण विभाग, राहगीरों को आने जाने में हो रही है परेशानी। निमाज में बारिश का पानी भर जाता बस स्टैंड और चेतन चौराहे पर, बारिश का पानी जमा होने से बढ़ सकता है मौसमी बीमारियों का प्रकोष्ठ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गौरव पथ में घटिया निर्माण सामग्री की खुली पोल, अंडरग्राउंड में भरे पानी के टैंकरों की मदद से निकाला बाहर। और पहाड़गंज में कुआ डस्टबिन तो बन गया, लेकिन बारिश में बढ़ गई कुएं की गहराई, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। लूणी में कांग्रेस नेता पप्पू सिंह उदावत भांडू ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर गांवों का दौरा कर बूथ स्तर पर टीमें गठित की। इस दौरान पप्पू सिंह उदावत ने रोही चाउते सर, नंदवान, सेवाला, रोहिला कला, रावड़िया, बांसनी, सेवा आदि अनेक गांवों का दौरा करके जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की मजबूती होती है। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने 25-25 कार्यकर्ताओं की टीमें भी गठित की और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बाबिनी में वन और पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर ने शादी में शिरकत की और ग्रामीणों से रूबरू हुए। पलीना में रविवार शाम को मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर, भाजयुमो जिला अध्यक्ष माधो सिंह देवड़ा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह देवड़ा की शादी में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर माधो सिंह देवड़ा, गिरधर सिंह जालोड़ा, शांति लाल, प्रेम सिंह इंदा, जय सिंह पलीना, मोहन सिंह, शैम्भू छायण और थाना अधिकारी सहित लोग मौजूद रहे। बासनी जोधपुर स्थित प्रेमानंद कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान पर रविवार को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रारंभ की गई ई सखी योजना के तहत प्रशिक्षित ई सखियों द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल साक्षर बनाने की कार्यशाला आयोजित की गई। आईटीजी के संचालक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ई सखी योजना के तहत 16 चयनित ई सखियों द्वारा ग्रामीण और शहरी महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की गई है, जिसमें ई सखियों द्वारा निःशुल्क भामाशाह योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ई मित्र राजस्थान संपर्क, राजदराज सिटीजन ऐप, महिला सुरक्षा ऐप और वसुंधरा राजे ऐप आदि का डिजिटल प्रशिक्षण महिलाओं और बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। गांव भर में मेगरदा रोड पर गौरव पथ बनाने के बाद ठेकेदारों द्वारा छोड़ी गई कई खामियों से राहगीरों, वाहन चालकों सहित दुकानदार भी काफी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही और मनमर्जी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस गौरव पथ के बने करीब 2 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक संबंधित ठेकेदार द्वारा ना तो गौरव पथ के दोनों तरफ से पटरियों को समतल किया गया है और ना ही गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। द राजस्थान ग्लोबल स्कूल, जड़ से मजबूत शिक्षा, दीक का प्रथम वास्तविक अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डीक का प्रथम वास्तविक अंग्रेजी माध्यम स्कूल, एडमिशन ओपन कक्षा नर्सरी से 8वीं तक। द राजस्थान ग्लोबल स्कूल, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे डीक भरतपुर, मोबाइल नंबर 7734919196 9785979762। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान आनंद भारती विद्यापीठ, हर वर्ष 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। हिंदी इंग्लिश मीडियम, कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक। एडमिशन ओपन आनंद भारती विद्यापीठ, भूडा गेट, डी भरतपुर, मोबाइल नंबर 9460109393 9414 21
0993। चमन माध्यमिक विद्यालय, सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक रमनलाल शर्मा और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। गांधी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग उपलब्ध, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण, वाहन सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ, मोबाइल नंबर 9461623422। गांधी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कचहरी पंचायत समिति रोड बयाना भरतपुर। गांधी विद्या मंदिर की स्थापना सन 1981 में की गई है, छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इस क्षेत्र में एक अच्छे विद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में विद्यालय प्रवेश का से लेकर के 12वीं कक्षा तक संचालित है। इसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग तीनों संकाय संचालित हैं। कला वर्ग में समस्त विषय जो भी कला वर्ग के हैं हमारे यहाँ संचालित हैं। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान माँ सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर, हर वर्ष 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण संतुष्टि, अनुभवी और योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन, विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रधानाध्यापक HC सैनी, व्यवस्थापक महेश चंद, प्रवेश प्रारंभ LKG से 10वीं तक के लिए, संपर्क सूत्र 9166862749462376051, 9462376051। माँ सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर, भूटा गेट डी, भरतपुर, राजस्थान। समाज सेवी और भामाशाह राम प्रसाद तलाईचा के जन्म दिवस पर सोमवार को सांगरिया में नव निर्मित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सांगरिया सरपंच सांवरलाल गुर्जर और प्रधानाचार्य ईश्वर दयाल मीणा की अगुवाई में 51 फलदार छायादार पौधे लगाए गए। इस मौके पर सरपंच सांवरलाल ने कहा कि पेड़ पौधे प्रकृति का सौंदर्य है, पेड़ पौधों की सघनता पर्यावरण को संतुलित बनाती है। अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा, समाज सेवी कालूराम जांगिड़, गोपाल कुमावत, विद्यालय कर्मियों और विद्यार्थियों ने परिसर में लगाई पौधों की जिम्मेदारी ली। निमास कस्बे के मुख्य बस स्टैंड, चेतन चौराहे, आसरलाई गेट सहित आसपास पर बारिश का पानी भर जाता है, जिससे मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। गौरतलब है कि निमास कस्बे के राजकीय चिकित्सालय के सामने लंबे समय से रोड नहीं बनी थी। कई बार लिखित और मौखिक रूप से अधिकारियों को बोलने के बाद राजकीय चिकित्सालय के पास बाईपास तक रोड बनी है। अब हालात ये है कि बारिश का पानी सही तरीके से नहीं निकल पा रहा है और जिस वजह से पानी भर जाता है, वहीं इस रोड पर दिन रात आवागमन रहता है, जिसके चलते डामरीकरण रोड टूटकर बिखर गई है, जिसके चलते राजकीय चिकित्सालय और भगवान महावीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी बच्चों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं कस्बे के कुछ ग्रामीणों को कुएं पर रहना होता है, जिसको देखते हुए किसानों का कस्बे में रोजमर्रा का सामान खरीदने निमास कस्बे के बाजार में आना पड़ता है। उसको देखते हुए कई जगहों पर जलदाय विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए खड्डे खोदे गए हैं, उनको ठेकेदार द्वारा सही तरीके से वापस नहीं भरा गया है। उस वजह से बारिश से कीचड़ हो जाता है, जिसके चलते कई बार किसान बाइक से स्लिप हो जाते हैं। वहीं कस्बे की राजकीय चिकित्सालय और भगवान महावीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर बारिश के पानी समय भर जाता है, जिससे अनजान राहगीर असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है कि यहाँ पर कितना पानी होगा या कहीं बीच में कोई बड़ा खड्डा तो नहीं है।
खेरवा गांव के पास स्थित सापुनी में बने बाबूजी महाराज के मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम में जुड़े रमेश राव शिवपुरा ने बताया कि भक्ति संध्या में गायक जितेंद्र प्रजापत ने गणपति वंदना से कार्यक्रम का आगाज किया। इसके बाद भजन गायक तारा राम सिरवी ने भजन की प्रस्तुति देकर तालियां बटोरी। इस मौके पर सज्जन देवासी जगदीश खेरवा, बीजाराम भोपाजी, गिरधारी लाल सवाराम सहित कई लोग मौजूद रहे। पूरासर में रामदास महाराज के पावन सानिध्य में वेद पाठी विद्वान पंडितों द्वारा आज से राजस्थान में पहली बार पुरुष चरणात्मक श्री मारुति महायज्ञ का आरंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। यह आयोजन विश्व की एकमात्र 28.5 फुट की अष्टधातु की सकारात्मक पंचमुखी हनुमान की मूर्ति स्थल जय सियाराम आश्रम पूनासर में शुरू किया गया और भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बाद में रामदास महाराज द्वारा अरणी मंथन किया गया। 26 जुलाई को पूर्णाहुति के साथ रात्रि को भजन संध्या का आयोजन रखा जाएगा। 27 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर केवल राम पारिक, भेरूलाल पारिक, चूनाराम चौधरी, वासुदेव राम अवतार, राजू राम जांगू, जयप्रकाश आदि अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 6 महीने पहले बनाए गए नाले को रविवार की जेसीबी से दुकानदारों ने तोड़ दिया। दुकानदार अपने पैसों से करवाएंगे दोबारा नाले का निर्माण। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश से दुकानदारों के अंडरग्राउंड में पानी भर गया था, जिसके कारण दुकानदारों को बहुत नुकसान हो गया था। अंडरग्राउंड में भरे पानी को टैंकर की मदद से बाहर निकाला गया। दुकानदारों में खटिया निर्माण को लेकर काफी आक्रोश है। सड़कें भी जगह जगह से जमीन में धस चुकी हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। सूरतगढ़ के गोरपथ के निर्माण कार्य में, नाला निर्माण में जो घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है, उसकी वजह से दुकानों में बार बार लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, बार बार पानी भर रहा है, जिससे दुकानें गिरने को तैयार हो रही है। अंत में मजबूर होके हमें नाला अपने स्तर पे दोबारा तोड़ के दोबारा खुद बना रहे हैं। प्रशासनिक सहायता किसी प्रकार की नहीं दी जा रही। ईओ साहब का ये कहना है कि अगर दुकानें आपकी गिरती हैं तो उसके जिम्मेवार आप हैं। MJF सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक लक्ष्मण प्रसाद सैनी और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भरतपुर की डी का एकमात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र पुष्पांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10वीं का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रवेश प्रारंभ LKG से 12वीं के लिए, LKG से 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम में। वाहन सुविधा उपलब्ध। डायरेक्टर मुकेश सिंह राजपूत, मोबाइल नंबर 9413594363। पुष्पांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्य समाज गली, सौगर मोहल्ला, डीक, भरतपुर। सरिता सेकेंडरी स्कूल समस्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भरतपुर के डी का एकमात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र शालू सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10वीं का 100% परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। व्यवस्थापक नरेंद्र कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9785505936। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान स्वामी रामस्वरूप माध्यमिक विद्या मंदिर। हर वर्ष 10वीं का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। अनुभवी और योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रधानाध्यापक मोतीलाल शर्मा, मोबाइल नंबर 9414715981। स्वामी राम स्वरूप माध्यमिक विद्या मंदिर। प्रवेश प्रारंभ नगर रोड डीक, भरतपुर।
पंचायत समिति रानी स्टेशन, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, विधायक मारवाड़ केसाराम चौधरी, जिला प्रमुख पेमाराम चौधरी, जिला परिषद सदस्य खीमाराम चौधरी, प्रधान रानी नवरत्न चौधरी, उपप्रधान रानी किशोर सिंह राजपुरोहित, सरपंच मोहन आचार्य, उप सरपंच पोखराज, ग्राम विकास अधिकारी सर्वेश सिंह, वार्ड पंच हंसराज चौहान, वार्ड पंच ललिता देवी, वार्ड पंच गायत्री देवी, वार्ड पंच पीकी देवी, वार्ड पंच मनोहर सुआरा, वार्ड पंच भावरी देवी, वार्ड पंच रसियाबाई, वार्ड पंच विजयराज सोनी, वार्ड पंच बहादुर सिंह उदावत, वार्ड पंच पिस्ता देवी, वार्ड पंच हेमाराम चौधरी, वार्ड पंच हीरालाल मेघवाल और समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत खेवाड़ा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसराज चौहान, अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम खेवाड़ा, तहसील रानी, जिला पाली की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीमा करवाएं, सुरक्षित रहें। श्री राम हॉस्पिटल, मिराना तिराहा, भरतपुर रोड, बयाना, भरतपुर। डॉक्टर सावित्री मीना, MBBS DGO, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, SMS हॉस्पिटल जयपुर। सुविधाएं उपलब्ध, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, 6 चैनल ECG, रोगी के भर्ती होने की उत्तम व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं की जांच और इलाज, मासिक धर्म की अनियमितताओं का इलाज, अनुभवी चिकित्सक और अत्याधुनिक मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के ऑपरेशन, ICU, NICU वार्ड व्यवस्था, प्राइवेट AC रूम, समस्त प्रकार की जांच, अनुभवी और सेवाभावी समर्पित नर्सिंग स्टाफ, सामान्य और जटिल डिलीवरी, निसंतान दंपतियों का इलाज, ऑपरेशन व्यवस्था, सिजेरियन, हर्निया का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन टाके बिना, नसबंदी, पाइल्स का ऑपरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, मूत्र नली पथरी का ऑपरेशन, हाइड्रोसेल ऑपरेशन, फिस्टुला का ऑपरेशन, प्रोस्टेट का ऑपरेशन, रंगीन सोनोग्राफी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन, अंडाशय की गांठ का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, स्तन की गांठ का ऑपरेशन, फिसर का ऑपरेशन। समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध श्री राम हॉस्पिटल में। श्री राम हॉस्पिटल में हमारे यहाँ ममाशय योजना के तहत समस्त ऑपरेशन, डिलीवरी सब फ्री किया जाता है। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में राष्ट्रीय योजना, जननी सुरक्षा योजना और ममाशय योजना तीनों दिनों का लाभ दिया जाता है। साथ ही में नौकरी को प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के अनुसार मैं नर्सिंग स्टाफ नरेश खटाना श्रीराम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। यह हॉस्पिटल भामाशाह द्वारा अधिकृत है। इस हॉस्पिटल में भामाशाह द्वारा सभी डिलीवरी व ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। इस हॉस्पिटल में राष्ट्रीय योजना व जननी सुरक्षा योजना से अधिकृत है। इन योजनाओं के द्वारा सभी मरीजों को लाभ दिया जाता है। श्री राम हॉस्पिटल, मिराना तिराहा, भरतपुर रोड, बयाना, भरतपुर। फोन नंबर 0564-8225411, मोबाइल नंबर 9667023619। पहाड़गंज के वार्ड नंबर 5 मोहल्ला पहाड़गंज में अब उसी कुएं में लोग भयभीत हैं जिससे वे कभी पानी भरते थे। कुआं करीब 10 वर्ष पहले उस समय अनुपयोगी साबित हो गया जब इसमें पानी की जगह मात्र कीचड़ ही रह गया। लोगों का
मौका मिल गया और कुएं में कूड़ा डालना शुरू कर दिया। उस समय के पार्षद ने कुएं को पटवा भी दिया, लेकिन करीब 5 माह पूर्व कूड़े से कुएं में गैस बनी और कुएं का पटाव धस गया। फिर से लोग कूड़ा डालने लगे। अब ये कूड़ा डस्टबिन तो बन गया है, लेकिन हाल ही में हुई बरसात से फिर कुएं की गहराई बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि आए दिन जानवर गिरते रहते हैं। मोहल्ले के लोग काफ़ी मशक्कत के बाद कुछ जानवरों को बचा भी लेते हैं, लेकिन अब इस कुएं को मौत का सौगर कहने में भी कोई बेमानी नहीं होगी। कोई भी कुएं में बच्चे, बुजुर्ग और नशे में चूर व्यक्ति अनजाने में गिर कर अपनी जान गंवा सकता है। दूसरी ओर कूड़े से निकलने वाली बदबू से आसपास के लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। बरमी पाली पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव का कोटा स्थानांतरण होने पर पाली से कोटा जाते समय बर मिडवे में स्थापनीय पत्रकारों और पुलिस थाना अधिकारियों ने विदाई कार्यक्रम का आयोजन रखा, जिसमें बर के स्थानीय इलेक्ट्रो निक्सर मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार और बर रायपुर जेतारण सेंदड़ा रास पुलिस थाना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर रायपुर थाना अधिकारी गौरव अमरावत सेंदड़ा, थाना अधिकारी विष्णुदत्त राजपुरोहित, जैतारण थाना अधिकारी बुधराम विष्णोई, बर चौकी प्रभारी अरविंद राजपुरोहित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के श्याम सेनी, बलवीर जलवानिया, छगनलाल फिर, जावेद अली, रणजीत चौहान, स्थानीय समाज सेवी महेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। बारा के अटरू क्षेत्र में लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है। इससे 3 नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पार्वती, अंधेरी, परवन, सुखार, भूपसी समेत सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। अटरू से किशनगंज के 1.5 दर्जन गांवों का संपर्क टूट चुका है। इस बीच नदी के बीच टापू पर फंसने पर एक महिला को रेस्क्यू टीम ने बचाकर बाहर निकाला। इलाके के गांव टापू बन गए हैं। उम्मेदगंज गांव में पक्के मकान की RCC छत गिर गई है। इससे एक महिला और 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को 12 रेफर किया गया है। मोरपुर थाना अधिकारी दलपत सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। पाली जिले के सोजत तहसील के भेसाना गांव में आज राज्य सरकार का किसान ऋण माफी शिविर का आयोजन सहकारी समिति भोसाना के तत्वावधान में आयोजित हुआ। इस शिविर की अध्यक्षता पूनाराम अधिशासी और अध्यक्ष चेतन कुमार ने की। इस शिविर में कुल 273 सदस्यों के 89,31,000 के ऋण माफी के प्रमाण पत्र किसानों में वितरित किए गए। इस मौके पर शाखा मैनेजर गोपी किशन, ऋण पर्यवेक्षक अब्दुल मजीद उपस्थित रहे। व्यवस्थापक नारायण लाल सिरवी ने अतिथियों का बहुमान किया। चेला राम SP ने इस ऋण माफी योजना को जिन हितकारी बताया। इस मौके पर बाबू सिंह, अनूप सिंह, दिनेश कुमार, गंगा सिंह, दिलीप, महावीर सिंह सहित सभी सहकारी व्यवस्थापक भी मौजूद रहे। आज ऋण माफी का जो शिविर लगा है उसमें भैसना ग्राम सभा सहकारी समिति के 11 गांव है, उसमें 275 मेंबरों का आज ऋण प्रमाण पत्र वितरण किया गया है, जिसमें 90 लाख रुपया का चेक वितरण किया गया है। और ये जो राज्य सरकार की योजना माफी की है काश्तकारों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और काश्तकारों से मेरा निवेदन है कि समय पर अपना लेन देन करें, जिससे सहकारी बीमा, फसल बीमा, दुर्घटना बीमा मिल सके। ओडू होने पर आपको ब्याज देना पड़ता है, और अगर समय पर ऋण वितरण और लेन देन करने पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा आपके, और समय पर आने पर सरकार समय समय पर जो राहत दे रही है वो अगर अपन लेन देन समय पर करेंगे तो दी जाएगा, नहीं तो आप उससे वंचित रह जाओगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि समय पर आवे और अपना खाते का लेन देन समय पर करें। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ कॉम्रेड कार्यकर्ताओं ने पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कॉम्रेड कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 3 दिन पूर्व कॉम्रेड सखी मोहम्मद को बेवजह पुलिस थाने लाया गया और प्रताड़ित किया गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके कारण पुलिस कर्मियों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।
और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।